बीजेपी महिला मोर्चा ने दिव्यांग बच्चों और कुष्ठ रोगियों को फल बांटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आज देशभर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने धूमधाम के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा भी प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रही थी। सोलन में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रेशमधर सूद के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा बच्चों को फल बांटकर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया गया। जो एक जीता जागता महापुरुष है और जो समाज के लिए अपना जीवन दे रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा पूरे प्रदेश में हर जगह जो है वो सेवा सप्ताह के रूप में मोदी जी के जन्मदिन को मना रही है। इसमें महिलाओं से जितनी भी रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनको उजागर इस हफ्ते किया जाएगा, उनकी समस्याओं का निदान करेंगे और महिलाओं को विटामिन की गोलियां, महिलाओं को सैनिटरी पैड्स, महिलाओं को उनकी अगर कोई सामाजिक समस्या है या पारिवारिक समस्या है उसके निदान के लिए गोष्ठियां, ये सब जो है वो इस सप्ताह हमने प्लान किया है। वैक्सीनेशन की तरफ दूसरा कदम जो हिमाचल प्रदेश बढ़ा रहा है उसमें भी महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रहे उसके लिए भी प्रयासरत है। और आज हम सोलन में यहाँ पर महिला मोर्चा जो है वो विकलांगों के जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनके साथ मना रहा है। इसके बाद हम लेप्रोसी हॉस्पिटल जाएंगे, वहां पर हम अपने उन पेशेंट्स को उनके साथ जो है मोदी जी का जन्मदिन मनाएंगे। और शाम को आज 5:30 बजे चिल्ड्रन पार्क के सामने एक और कार्यक्रम होगा जो मोदी जी के जन्मदिन को समर्पित होगा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और वो इसी तरह समाज में हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहें और महिलाओं को, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को बहुत मान और सम्मान दिया है, वो महिलाओं को मान सम्मान देते हुए इस देश को विश्व पटल में और सम्मान दिलाते हुए आगे बढ़ते रहें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम एक बार फिर कहेंगे जन्मदिन मुबारक हो, मोदी जी को जन्मदिन मुबारक हो।